इसी जगह पर सुभाष नगर मेन मार्केट वाले रावण, भारत का सबसे बड़ा रावण 70 फीट का रावण यही लगेगा। और रावण का चेहरा है, उसकी मेकिंग हो रही है, रावण की ठोटी बांधी जा रही है, अभी इस पे कागज होगा। वेलकम बैक टू सुनील नामिछाने ब्लॉग। और आज आए हैं सुभाष नगर दिल्ली के सबसे बड़ा रावण देखने के लिए, जिसकी लोकेशन बताऊँ तो मैं आप सुभाष नगर आके किसी को भी गोल चक्कर वाला रावण, तो सबसे बड़ा रावण लगता है यहाँ पे 70 फीट का। और अभी जो भैया बनाते हैं मदन जी, उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। और अभी चलते हैं आगे, उनसे मिलते हैं, वो बताएंगे किस किस तरीके से रावण कैसा तैयार किया जाता है। तो यही है मदन जी, जो कि सुभाष नगर का रावण गोल चक्कर वाला के निर्माता है। मदन जी, कितने साल हो गए आपको बनाते हुए रावण? 94 से। और आप इस फील्ड में कब से हो? इस फील्ड में कब से हो, मतलब कितने साल हो गए इस फील्ड में? 94 से हूं। अच्छा अच्छा, सुभाष नगर हो ना? 90 से बनाना चालू करा। अच्छा अच्छा, मतलब 32 साल वैसे हो गए आपको बनाते हुए। तो अब ये कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा? यार बन गया है, कुछ बताना चाहोगे? अच्छा, इसको बनने के लिए और इसका लगभग खर्चा कितना आ जाता है? अच्छा, का खर्चा ज्यादा है इसमें, मेहनत भी ज्यादा है। और वैसे आप ऑर्डर पे लोग अगर बनवाना चाहे तो आप बना सकते हो ऑर्डर पे? आप इस टाइम में, मतलब जैसे नेक्स्ट ईयर के लिए जैसे लोग बना सकते हो? अच्छा, तो अभी आपने कितने रावण बनाए हैं यहाँ पे सुभाष नगर? सुभाष नगर के लिए तो एक ही बनाया है। सुभाष नगर के लिए एक बनाया है, एक तो आप बता रहे थे कल के तिलक नगर के लिए। अच्छा, तो मैं भैया का नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाल दूंगा, अगर आप बनवाना चाहते हो तो भैया से कॉन्टेक्ट करिए। अभी तो नहीं बनेगा फिलहाल, ये नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि अभी तो टाइम बचा ही नहीं है बिल्कुल भी, टाइम बिल्कुल खत्म है। अच्छा अच्छा, ये चेहरा तैयार हो रहा है। ये सुभाष नगर का ये चेहरा, ये सुभाष नगर का ये? अच्छा, कैमरे इसका। ये भैया ठोटी बांध रहे हो आप हैं? और ये कागज लगाए जा रहे हैं। तो भैया इसकी देखो, ये चेहरा है रावण का, एक नहीं बहुत सारे रावण है यहाँ पे। ये हाथ है, आप धड़ दे सकते हो, धड़ मतलब कितना बड़ा धड़ है, मजा आ गया धड़ के अंदर, बिल्कुल बेहतरीन धड़, 70 फुट के रावण का धड़ इतना बड़ा। ये है घाघरा, घाघरा के ऐसे कहा जाए तो घाघरा जो है दो पार्ट में बनता है, ये एक पार्ट में नहीं बन सकता। भैया जो कागज लगाते हो आप, ये किस चीज से बनाते हो इसको? अच्छा, लही, लही से होता है, लही से बनता है ये, तो ये अच्छी तरह चिपक जाता है। तो ये लही के द्वारा कागज को चिपकाया जाता है, इसमें कोई गोंद वूंद का इस्तेमाल नहीं होता। काफी लोगों को डाउट होता है कि गोंद है, नहीं, ये लही से होता है। और बनने के बाद ना इसकी चेहरे की रौनक देखना, मतलब जब ये खड़ा होगा ना सुभाष नगर में रामलीला मैदान के पास, मतलब कि मतलब एक नंबर लगता है रावण, अलग ही क्वालिटी इसकी, अलग ही चीज़ लगती है ये। देखो जब ये खड़ा होगा ना बनके, जब ये पूरा खड़ा होगा इतना बेहतरीन लगता है ना, मैं तो कहूँगा मेरे को दिल्ली के अंदर सबसे बेस्ट रावण ये लगता है। इसी के तरह, इसी तरह से हमने भी बनाया रावण, उसका भी ब्लॉग आने वाला है, तो दिखेगा आपको। वो जो भैया बना रहे थे ना, उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, फिर इसमें क्या नाम है, कागज़ चढ़ेंगे, इसका सिंगार होगा, तो उसके बाद देखना इतना बेहतरीन लगेगा ना, ये कहने की कोई बात नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर करिए। ऐसे ही रावण की सीरीज आने वाली है, तो 3-4 वीडियो आपको जरूर मिलेगी। ऐसे ही सपोर्ट करिए अपने भाई।